हे गाइस, दिस आर दिस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया फेलटेक। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूम क्लाउड मीटिंग एप्लीकेशन के बारे में, कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे वहाँ पे और कैसे मीटिंग करेंगे, कैसे वीडियोस कॉल करेंगे। अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आती है जूम क्लाउड मीटिंग एप्लीकेशन पे, तो हम इस वीडियोज़ को देखने के बाद उसको सॉल्व करने वाले हैं और कैसे करेंगे ये सारा कुछ आप वीडियोज़ को देखने के बाद समझ पाएंगे और जान पाएंगे। चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपकी मर्जी हो तो, और वीडियोज़ को भी लाइक कर देना। चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं और आपके ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कम टाइम में और आसान तरीके से आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। ओके, सो गाइस, करना क्या है हमें, सबसे पहले मैं अपने फ़ोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको जूम क्लाउड मीटिंग ऐप, या तो जूम ऐप। अब जैसे ही सर्च करते हैं तो यह एप्लीकेशन आपके सामने जो कि सर्च होकर के आ जाती है और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। अदरवाइज आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि वीडियोज़ कम्प्लीटली देख लें उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग 100 मिलियन प्लस है और रेटिंग भी काफ़ी बेटर है और रिव्यू तो बहुत ही अच्छा है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और कमेंट्स वगैरह जो कि आप देखना चाहते हैं कि एप्लीकेशन कैसी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले तो उसके कमेंट्स वगैरह जो कि पढ़ लिया करिए और रिव्यूज़ वगैरह देख लिया करिए। तो इससे क्या होता है हमें, यानी कि आसान हो जाता है कि जान लेते हैं एप्लीकेशन कैसी है, इसे इंस्टॉल करना है नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको मीटिंग करने में, या तो जानना चाहते हैं एप्लीकेशन किस लिए है और कैसे यहाँ पे वीडियोस कॉल करेंगे, तो ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियोस में। तो चलिए ओपन करते हैं यहाँ पे, और ओपन करने के बाद कैसे अकाउंट बनाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इस प्रकार से ओपन होने लगती है और यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट ए मीटिंग, स्टार्ट और ज्वाइन ए वीडियो मीटिंग ऑन द गो, यानी इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे तो शेयर योर कंटेंट एंड मैसेज योर टीम। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई कंपनी है, या तो आपका कोई ग्रुप है, या तो कोई छोटा सा वर्क करते हैं जिसमें 4-5 मेंबर्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप ग्रुप बना करके वीडियोस कॉल साथ में बात कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो कि ऑप्शन आपको दिखता है ज्वाइन ए मीटिंग, तो जैसे यहाँ पे ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ज्वाइन ए मीटिंग, मीटिंग आईडीज और यहाँ पे ज्वाइन विद ए पर्सनल लिंक नेम, तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है। और मैं आपको बता दूँ ये किस प्रकार से वर्क करेगा ज्वाइन ए मीटिंग ऑप्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह एप्लीकेशन आपके दूसरे मेंबर के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो क्या होता है, फिर जैसे आपको कोई मीटिंग आईडी यहाँ पे शेयर करता है मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम पे, या पर्सनली कोई आपको लिंक सेंड करता है, तो कैसे उसको यहाँ पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स, एक मीटिंग आईडी क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा आप अपनी मीटिंग आईडी कैसे क्रिएट करते हो। तो जैसे आपकी मीटिंग आईडी मिल जाती है तो आप यहाँ पे एंटर करके ज्वाइन विथ ए पर्सनल लिंक नेम, जो कि इस प्रकार से करेंगे तो आप जो कि मीटिंग में, यानी कि हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो कि कम्प्लीटली हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन अप के एंड साइन इन के, तो ये कौन से ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और साइन इन तभी आप कर पाएंगे। तो साइन अप पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे एक अकाउंट जो कि अपना बना लेना है, यानी कि क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, कोई सा भी ईमेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि आपके फ़ोन पे हो। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं ईमेल, और यहाँ पे आपको जो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको परमिशन भी एग्री कर देना है, जो कि टर्म ऑफ सर्विस हाँ में, यानी कि सहमत हैं हम, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे वी सेंड एन ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, यानी कि आपको एक मेल भेजा है हमने, इस जो कि जीमेल हमने लगाया है, तो आपको एक मेल आएगा इस प्रकार से, वो बताया जाएगा आपको। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा मेल जो कि आ चुका है इस प्रकार से, और इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर जिस जो भी आपने जीमेल लगाया यहाँ पे, तो उस जीमेल पे आपको एक मेल आएगा और यहाँ पे आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा एंड यहाँ पे एक ब्राउज़र भी ओपन होगा जो कि आपके सामने इस प्रकार से। और जैसे ही आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन आ जाएगा, अकाउंट इन्फो जो कि आपका नेम है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि यहाँ पे लगा देना है, जो कि कुछ वर्ड यूज़ करते हैं एंड आप यहाँ पे जो कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है, कैसे आप जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एटलीस्ट कम से कम जो कि आपको वर्ड लेटर यूज़ करना है, और जो कि आपको नंबर भी यूज़ कर लेना है पासवर्ड बनाने में। तो यहाँ पे हम पासवर्ड बनाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको बता दूँ एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ यानी कि लेटर यूज़ कर लिए और कुछ नंबर इस प्रकार से आपको यूज़ करना है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लगा दिया है, वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है इंक्लूड बट अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताया जा रहा है, तो कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आपको जो कि
आपका जो कि पासवर्ड सही नहीं लगा तो आपको ये बताया जाएगा। तो फिर से हम पासवर्ड को अपने, तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, यानी कि अपर केस जो कि यूज़ करना है वर्ड लेटर में, तो यहाँ पे जैसे कि मेरा नेम दिलशाद है, मैं पासवर्ड लगाने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे डी बड़ा वर्ड कर लेना है यानी कि लेटर, उसके बाद जो कि आपको लोअर केस पे यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कम्प्लीटली सारा कुछ फिल हो चुका है, हम कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद जो कि हम वहाँ पे एप्लीकेशन पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या क्या बताया जा रहा है। आप इस पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं, बट नेवर करते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से आप देखेंगे अकाउंट इन्फो में और इनवाइट कॉलेज जो कि आपको बताया जाएगा, बट यहाँ पे आप डाल सकते हैं जीमेल वगैरह जो कि आपकी आईडीज बनेगी वहाँ पे 3 लोग की, और टेस्ट मीटिंग जो कि आप कर सकते हैं यहीं से। बट यहाँ पे हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने ब्राउज़र ओपन किया था जो कि अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने जूम एप्लीकेशन को फिर से ओपन किया और यहाँ पे आप साइन इन करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम साइन इन करेंगे और जानेंगे कि कैसे यहाँ पे वीडियोस कॉल ये सारा कुछ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वही मेल डाल देना जो कि आपने यूज़ किया है, यहाँ पे हम जैसे कि डाल देते हैं जो कि हमने यूज़ किया था, तो आपको डालना है। और ये ईमेल और पासवर्ड अगर आप ये एप्लीकेशन को हमेशा यूज़ करना चाहते हैं तो आपको भूलना नहीं है जो कि, तो यहाँ पे हम पासवर्ड भी वही वाला डाल लेते हैं और उसके बाद हमें साइन इन पे क्लिक कर देना। आप फॉरगेट भी कर सकते हैं अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे कनेक्टिंग जो कि आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाता है फ्रेंड, ये ऑप्शन इसलिए होता है अगर आपके फ़ोन पे यानी कि फिंगरप्रिंट लॉक है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो जो आपका लॉक लगा है वो आप फिंगरप्रिंट करके आईडी जो कि क्रिएट हो जाएगी आपको। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है तो ये डायरेक्टली लग जाएगा और यहाँ पे आप बना भी सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी आईडी क्रिएट हो गई जो कि हम किसी को भी सेंड करके और डायरेक्टली उसको अपने यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे ऐड करा सकते हैं और उसको वीडियोस कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सेंड इनविटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जीमेल मैसेज कॉपी टू क्लिप बोर्ड आ जाएगा। आप कॉपी टू क्लिप बोर्ड करते तो आप व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर या जीमेल कहीं से भी आप इसको डायरेक्टली भेज देंगे। आप कॉपी टू क्लिप बोर्ड करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके व्हाट्सएप पर कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करते तो ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है एप्लीकेशन। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे मैंने वीडियोस को ऑफ करके रखा है, आप भी ऑफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप म्यूट स्टार्ट वीडियो जो कि ऑफ है तो यहाँ पे आप इसको अलाउ करेंगे तो आपका जो कि वीडियोस है सॉरी तो दिखने लगेगा इस प्रकार से कुछ आप देख पाएंगे। एंड यहाँ पे हम फिर से इसको ऑफ कर देते हैं, आप भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और पार्टिसिपेट एंड मोर और म्यूट कर सकते हैं अपनी आइडियोज को यानी कि अपनी वॉइस को भी म्यूट कर सकते हैं। और इसे हम एंड करते हैं, यहाँ से हम कॉल को करेंगे, यहाँ पे लिव मीटिंग एंड मीटिंग भी कर सकते हैं, तो लिव मीटिंग भी कर सकते हैं आप, मीटिंग को छोड़ सकते हैं। बाहर आने के लिए आपको इन मीटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा बहुत सारे ऑप्शन। और एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी, मीटिंग पासवर्ड, पोस्ट वीडियोस ऑन, पार्टिसिपेट वीडियोस ऑन, यानी कि आपको यहाँ पे ऑफ करना है तो आपकी वीडियोस नहीं दिखेगी, सारा कुछ ऑप्शन देख सकते हैं इस प्रकार से। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप अकाउंट को साइन इन करने के बाद ये मीटिंग का ऑप्शन जो कि यहाँ पे दूसरे नंबर पर दिख रहा है तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन किस लिए है, मीट एंड चैट। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको मिलते हैं न्यू मीटिंग, यहाँ पे आप मीटिंग आईडीज लगा करके लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करके यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी, तो यहाँ पे न्यू मीटिंग कर सकते हैं आप। और उसके बाद ज्वाइन, तो जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जिसने भी यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बोला है तो आप उसकी मीटिंग आईडी जो कि आपको भेजा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं, तो आप ये वो बंदा आपकी जैसे कि मीटिंग आईडी डालता है ऐड करता है यहाँ पे अपने फ़ोन पे, तो आप वो आपके मीटिंग में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार आप भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो कि ऑप्शन है शेड्यूल का, तो आपको बता दूँ शेड्यूल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप इसको किस टाइम पे, यानी कि अभी जैसे कि 9 PM है या 9 AM टाइम है, तो आप इसको 1 PM से कितने टाइम तक इसको मीटिंग को अपना रखना चाहते हैं यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रॉम से टू कितने टाइम टू कितने टाइम तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि शेड्यूल लगा सकते हैं अपनी मीटिंग को। और यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाए, मीटिंग पासवर्ड होस्ट वीडियो जो कि हमने बताया आपको। उसके बाद फिर से हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पे शेयर स्क्रीन जो कि आपको मिल जाती है, डायरेक्टली आप यहाँ पे शेयर के और मीटिंग आईडी जो कि शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप जैसे वीडियो कॉल करने लगे आपके साथ मेंबर्स हो जाते हैं बहुत से, तो अपनी जो कि आईडी जो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कैंसिल करते हैं और यहाँ पे फाइंड पीपल एंड स्टार्ट की चैटिंग, यानी कि आपके फ़ोन पे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं तो कौन कौन लोग जो कि यहाँ पे यूज़ करते हैं इस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम फोन बाय ईमेल एड्रेस, तो जैसे कि आप यहाँ पे कर देते हैं तो आपके फ़ोन पे जो जो यूजर्स हैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्च होकर के आ जाएंगे। तो उसके बाद हम नीचे वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट की, तो यहाँ पे जो जो होंगे इनेबल करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे, बट यहाँ पे हम करने वाले नहीं है। और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपकी आईडी दिखाई देगी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मीटिंग चैट अबाउट, तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा और यहाँ पे अपनी आईडी पे आप क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपना नेम वगैरह जो कि चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड वगैरह।
और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के फ़ोन पे जो कि एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको करना क्या है, या तो आप अपने फ़ोन के दो तीन एप्लीकेशन को जो कि हटा दीजिए जिससे कि स्पेस आपके फ़ोन का अच्छा हो जाएगा, या तो इस एप्लीकेशन को आप डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करिए, यानी कि रिमूव करके अनइंस्टॉल करके फिर से इसे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप जो कि अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करके फिर एप्लीकेशन को ओपन करिए, ज़रूर ओपन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल को प्रेस करते टाइम अगर ऑल का ऑप्शन आता है तो ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आप देख सकें, कुछ नया जाना और सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।